आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी है वहां से आ रही आवाज, इसे देखो मैं इससे डर रही हूँ। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है, उसके बाद आज हमने बनाया स्पेशली घिया कोफ्ते की सब्जी। ये रहे हमारे कोफ्ते, देखो कितने फूल गए, गोल गोल बनाए थे मैंने राउंड अप ऐसे। और चावल जैसे सबको पता है मैं खुला खोलती हूँ, मतलब रख देती हूँ। और लास्ट में एक जो मतलब मेरे पास एक ट्विस्ट होता है जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ आपको, स्पून वाले स्टैंड का। ये रहा स्पून स्टैंड, उस पर से एक चम्मच ले लेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे पानी। आगे दिखाती हूँ, ये रहा। और यहाँ ये है हमारे पास अरारोट बोलते हैं इसे, कॉर्नफ्लोर, ठीक है। इस कॉर्नफ्लोर को इतना सा बस एक चम्मच, ओके, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर विद पानी इस तरह से ऐड करके थोड़ा सा। मुझे मतलब आप ट्राई करना, जैसे अगर आपकी सब्जी में मतलब ग्रेवी ना आए ना कभी भी, चाहे मटर पनीर की सब्जी बनाओ और टमाटर की बनाओ, अदरवाइज जो भी पतली सब्जी बनाते हो आप, उसमें अगर ग्रेवी ठीक ना हो तो हल्की सी ये जरूर डाल दें। और उसके बाद इसका टेस्ट देखना और देखना इसका लुक देखना। तो ये है ट्विस्ट मेरा आज का। तो देखिए आप देखो इसकी बॉइलिंग के बाद इसकी कामयाब, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्जी बनी है। आई ट्राई माय बेस्ट नाउ और लगेगी प्लेटिंग, लगेगी आज हमारी प्लेटिंग। अब तो यहाँ देखिए पहले डालेंगे थोड़े से राइस, ये रहे, बस टेस्ट करके दिखाऊंगी ना इसलिए उतने लिए बस। और ये रही हमारी सब्जी विद कोफ्ते और इसकी ग्रेवी। और बंद कर देंगे क्योंकि हो गई सब्जी, बहुत तेज पानी आ रहा है। अब कैमरामैन की बारी, वो मुझे बताओ कैसी लग रही हो। मुंह में पानी इसका भी मेरी तरह गरम गरम है। यम, यस, बहुत ही टेस्टी बनी है, सच में बहुत टेस्टी। गरम सेजल अब वो टेस्ट करेगा। क्या कर रहा है? तो भाई एक नई अपडेट सुनो, क्या हुआ, ये जो पानी है ये मेरे हाथ से बिखरा। क्या कहना चाह रहे हो, क्या करती अगर मैं, तुम बिखेरते तो? मैं कहा किसी बच्चे ने मुझे बिखर जाता था, अभी पता लगती क्या क्या पता लगती। ऐसे ऐसे करती भाई, देर करो करो शिवम। मैं क्या कहती कि गनोचा रखी है ये करके, अब हम सब चुप बैठे हैं देख रहे हैं बस, यहां पानी बिखर। तुम जब भी कुछ ना करते अब तब भी मैं ही करती यार, ये पूरा का पूरा जो पानी पे बिखरा अब भी मैं ही करूंगी, अब भी ये मैट मैं ही सुखा करूंगी। तू का करेगा, तुझ ऐसी गंध तो जब भी ना छोड़ती, शिवम पोछा लगाता है पर, समझ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ वेलकम करती हूँ अपने नए चैनल में। और गणेश चतुर्थी पे मैंने क्या किया था, ये सुबह सुबह मेरा मॉर्निंग रूटीन वर्क और क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो गई है। दिस इज माई लिविंग रूम, ये मेरा सबसे फेवरेट पैलेस जहाँ पर मैं बैठती हूँ सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आप सबको अपडेट देते हुए। और उसके बाद मंदिर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर ऑलवेज। ये मेरा किचन कितना प्यारा कितना सुंदर, दूध वगैरह मैंने गर्म कर लिया है। और सबको पता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं क्या बनाती हूँ, नमकीन चावल, वही बन रहे हैं। यहाँ पर सारा का सारा चुका है। और आज मैं जो कल सामान लेके आई थी, जैसे कि बहुत सारे चीज़ें लेके आई हूँ, दिखाऊंगी आपको।
ये पोहा और यहाँ पर मैक्रोनी, जवे, राजमा। मैं पलटूंगी अभी उसमें डब्बे वगैरह जो आप देख रहे हैं ना क्लियर हो रखे हैं। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और आप सबके साथ इसी तरह स्टार्ट करते हैं दिन को। और जब भी हम कोई सामान लाते हैं और उन्हें अनबॉक्सिंग करके अपने डब्बों में पलटते हैं इतना अच्छा लगता है। नए नए डब्बे, नई नई चीज़ें और उसके बाद हर चीज़ एकदम से साफ साफ दिखाई देती है। तो उसमें खाना बनाने के टाइम पे आई थिंक सबको, सभी लेडीज से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको अच्छा लगता है ना कि जो सीन वाले डब्बे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं या हाइड वाले। स्टील के भी हैं मेरे पास, पहले मैं यूज़ करती थी, अब नहीं करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह का फेयर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो। ओपन में भी अच्छी लग रही है, बेफिक्र है, सुंदर लग रही है। आज ना मैंने बाल वॉश किए तो क्या ड्रायर चल नहीं पाया। हाँ, ड्रायर चल नहीं पाया तो क्या होता है, ऐसे ही रह गए मेरे बाल। हाँ ये तो है ना, मैं काम करनी पड़ेगी, फटाफट में आ जाओ। हाँ, दो मिनट में तैयार होने की बिल्कुल। और ड्राइव करने के लिए वैसे भी ना ओपन हेयर रहेंगे ना, तो खुले खुले से, और जितना टाइट बैंड वगैरह करो ना तो थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा था, एक दो सीधे सीधे निकल ही गई। हाँ, जब मूड हो बिल्कुल, लाइफ में हमेशा वही करना चाहिए जो खुद का मन करे। ऑलवेज वो इंडी वो नहीं दिया, वो तो दिया है, कमी नहीं बना रही है, कह रही है हाथ दे दो। मैंने सोची मैं भी ये कर रहा हूं, नहीं मैं भी देख रही थी, मैंने कहा हाथ देना है। ये अभी भी पार्क ये है, पार्किंग है या पर? हां पार्किंग है, यहां पे पार्किंग है। अगर कोई ना कोई आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि मतलब कोई आ रहा है। अंकल जी मान जो, मान जो कहते गाड़ी खड़ी होने के बाद फिर कोई भी आना, कोई भी जाना है ना, लेकिन थोड़ी देर। और हम दोनों हैं फैशन डिजाइनिंग फ्रेंड्स, तो हम मिले हैं काफी दिनों बाद, तो चलिए करते हैं एंजॉय, आपको भी दिखाते हैं। नहीं 1000 रुपीज वाला, हाँ हाँ तो वो तो सही चल रहा। इसका लोकेशन ऊपर का है। बोरा स्काई हाउस का तो बोरा स्काई हाउस महंगा नहीं है, देख ले कौन सा। ये तो क्या बोलते हैं फ्लाइंग डस्ट सस्ता है, चल देख ले वहां से ना। फ्लाइंग डच है और वो पूछ कौन सा दे तो। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, फिर हमने सोचा क्यों ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। शाम का टाइम हो गया था, मैं लूँगी कुछ ड्रिंक्स रिलेटेड या समथिंग हल्का फुल्का, सैंडविच वगैरह और जो भी पास्ता, मैक्रोनी या फ्रेंड फ्राइज या चिली पटेटो, इसी तरह का ऑर्डर देख के हम देख रहे थे। स्काई बोर्ड भी हमने ट्राई किया था और फ्लाइंग डच भी किया था, इनफैक्टो भी, तो हम वही पता कर रहे थे सीटिंग का अरेंजमेंट।
फाइनली हम आ गए हैं अपने फ्लाइंग डिच रिजॉर्ट में, और वहाँ पर हमने टाइम स्पेंड करने के लिए कितनी प्यारी सी सीट देखी थी वो आपको दिखाऊंगी, लोकेशन भी दिखाऊंगी। और ये है हमारा मेन्यू। तो मेन्यू में हम देख रहे थे कि किसको क्या क्या खाना है, किसकी क्या क्या चॉइस है, स्नैक्स में क्या क्या है इसमें, और टाकोस और पिज़्ज़ा, जो भी आपकी चॉइस है वो हर तरह का प्रोवाइड। हाय एवरीवन, तो ये है हमारी लोकेशन। ये हमारा लोकेशन जो है, हम बिल्कुल ये हमारा लोकेशन है। इतने दिनों बाद मिलना और एकदम से ऐसा माहौल, जब मतलब म्यूजिक पीछे से धीमा धीमा हो रहा है, और हम दोनों फैशन डिज़ाइनिंग एक साथ करते थे, बहुत दिनों बाद हमारी मीटिंग हुई है। इस बार 14 अगस्त को आपको भी पता है मेरे यहाँ पर कुछ ट्रेजडी हो गई थी, फैमिली ट्रेजडी, उस वजह से मैंने अपना बर्थडे प्लान नहीं किया था। तो फिर इसने मुझे मीटिंग के लिए बहुत दिनों से बुला रही थी, तो हमने एक दूसरे को टाइम दिया। चलिए और अब करते हैं टिकट, मूवी के टिकट की। जब आन मूवी की टिकट का क्या चल रहा प्राइस? और अभी देखते हैं क्या प्लान होता है। यहाँ पर तो नहीं मिल रहे ये सारे के सारे कैंडी और वो सब। और मेरी फ्रेंड बाथरूम साइड आ जाए वो। आप दूसरा पैर, मैं थोड़ी सी पहले वीडियो गणपति की बनाने या दूसरे ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग के लिए आती हूँ। पुराने दोस्तों के साथ जब भी मिलते हैं इतना इंजॉयमेंट होता है, इतना बातें होती हैं, और बातें कभी हमारी आपस में ख़त्म ही नहीं होती है। तो बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी दिनों से मीटिंग के लिए बोल रही थी, तो अब हो गया हमारा गेट टुगेदर। और फ्रेंड और भी आने वाली थी लेकिन उसे कुछ काम था, वो निकल गई। तो हम दोनों ने फाइनल किया कि अभी हम मिल लेते हैं, फिर एक दूसरे के साथ दोबारा से जब भी मीटिंग होगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहुत मज़े आते हैं इसी तरह से अपनी इंजॉय करते रहिए लाइफ को। और यहाँ पर गणपति जी का आपको एक व्यू दिखाऊंगी जो बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, और इंजॉय करते रहिए मेरे व्लॉग्स, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इंजॉय करते रहिए इसी तरह से। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। बाय एवरीवन।